जिला विदिशा के ग्यारसपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम धोगेड़ा और मोहम्मदगढ़ के जंगल में इन दिनों सुलगती आग का तांडव मचा हुआ है। इस आग में बेशकीमती सागौन के वृक्ष भी धू धू कर जल रहे हैं और बांसों की नर्सरी और हरे वृक्ष झुलस गए हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से जंगलों को बचाने के लिए जो करोड़ों रुपये की राशि आती है उसे औपचारिकता के रूप में वन विभाग के द्वारा डकार तो लिया जाता है, लेकिन जमीन हकीकत वन विभाग की पोल खोलकर रख देती है। बीट गार्ड रविशंकर अहिरवार का कहना है कि हमारी टीम के द्वारा आग बुझाने की हरदम कोशिश की गई, लेकिन आग पूरे जंगल में फैली हुई है जिसे बुझा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में जब रेंजर स्मृति दुबे से बात की गई तो उनका कहना है कि अभी आई हूँ मैं और अपडेट लेकर बताती हूँ। आग की लपटों का तांडव इतना तेज है कि आग की लपटों में सने जंगलों में पशु पक्षियों का दम घुट रहा है, जिसकी खबर वन विभाग को भी थी, लेकिन उनका प्रयास विफल हो रहा है। एक और वन क्षेत्र आगजनी की बड़ी घटनाओं की चपेट में है और वहीं वन्य प्राणी भी सुरक्षित नहीं है। ग्यारसपुर वन क्षेत्र जिले का वन विभाग और यहाँ से गैर जिम्मेदाराना कर्मचारी महज औपचारिकता के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। सर, जिस प्रकार लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगातार जंगलों में आग लग रही है, तो इस आग पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि इतनी विस्तार रूप से आग विकराल रूप रख लेती है जिससे को बुझाना बहुत मुश्किल रहता है। किस प्रकार काबू पा रहे हैं आप? सर, हमारे पास जो दल है वन सुरक्षा श्रमिक है हमारे साथ, तो उसके साथ में हम लोग जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ आग बुझाने के लिए पहुँच जाते हैं और हमारे पास वैसे पर्याप्त है, जैसे एक ही चौकीदार है तो उसी के साथ हम आगे बुझाने जा रहे हैं। जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ निगरानी हम भी करते रहते हैं। कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है जो अपने हरे भरे वृक्ष हैं और जो फलदार वृक्ष हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो उससे सुलझ जा रहे हैं, और कहीं कहीं तो ये भी देखने में आ रहा है कि कहीं कहीं जो अपने सागौन के वृक्ष हैं उनमें भी आग लग रही है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं एक देखने में आता है कि इसमें काफ़ी अमले की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं होती है, जिससे आपका पूरी तरह से काबू पा सके। वो तो है, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन क्या है कि जंगल में आग कम लगे या ज़्यादा लगे वृक्षों को नुकसान तो होता है जी। कुछ वृक्षों को जो पोले रहते हैं उनमें आग घुस जाती है तो उसमें आग लग जाती है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं जो पोले वृक्ष हैं उन्हें मिट्टी से भर के उसको बुझाने का प्रयास करते हैं और हमारे स्तर पर जो भी प्रयास होता है वो करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।